पटना के एक कोचिंग सेंटर में विद्यार्थियों को फ्री में एडमिशन नहीं देने पर दलालों ने एक कोचिंग सेंटर में बम फेंक दिया। मामला सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मसल्लापुर हाट इलाके की है, जहां बीती रात 8 बजे के करीब कुछ अपराधियों ने एक कोचिंग सेंटर के ऑफिस में घुसकर वहां जमकर तोड़फोड़ की। फिर वहां मौजूद लोगों के साथ मारपीट भी की गई और इसके बाद पूरे ऑफिस में तोड़फोड़ कर कोचिंग सेंटर में बम फेंक दिया गया, जहां एक बम कोचिंग सेंटर में तो दूसरा बम कोचिंग सेंटर के गली में फेंका गया। वहीं बम फटने के बाद इसकी आवाज सुनकर आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। साथ ही घटना का अंजाम देने के बाद अपराधी वहां से आसानी से फरार हो गया, लेकिन अपराधी की पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। वहीं अपराधी के जाने के बाद दहशत में आए कोचिंग संचालक ने तुरंत इसकी सूचना सुल्तानगंज थाना पुलिस को दी। वहीं शिकायत के चंद मिनटों बाद ही वहां पुलिस आई, जांच भी की। वहीं जांच के दौरान कोचिंग संचालक के छोटे भाई ने पुलिस को बम का टुकड़ा भी दिखाया, लेकिन पुलिस ने बम फटने की बात से साफ इनकार कर दिया। कोचिंग संचालक ओपी मेहता के अनुसार कुछ दलाल जबरन 6-7 लड़कों का फ्री में एडमिशन कराने आए थे, इसी को लेकर विवाद चल रहा था। वहीं जांच में यह सामने आया कि 2-3 युवक आए और कोचिंग के रिसेप्शन काउंटर पर तोड़फोड़ करने लगे। वहीं इस मामले पर कोचिंग संचालक द्वारा स्थानीय थाने में लिखित आवेदन भी दिया गया है। वहीं कोचिंग संचालक ने कहा कि दलाल विद्यार्थियों के से हजारों रुपए ऐड कर उन्हें ठगते हैं और कोचिंग में फ्री में एडमिशन कराना चाहते हैं और ऐसा अक्सर होता है। वहाँ आया तब पता चला कि 5-7 असामाजिक तत्व के व्यक्ति कोचिंग सेंटर में घुस गया है और तोड़ फोड़ बमबाजी वगैरह किया है। आवेदन दे रहे हैं। कौन लोग थे, इसकी पहचान हुआ, सीसीटीवी में आपके द्वारा देखा गया? राजा यादव नाम का लड़का है, उसका नाम पूरा पता उसका लेकिन डिटेल नहीं आया है, लेकिन मोबाइल नंबर उसका मिला है। मोबाइल नंबर से ट्रेस हो जाएगा कि उसका एड्रेस क्या है कैश लेने के बाद, लेकिन राजा यादव और उसके और सहयोगी हैं 5-6 वो सब आया हाथ में बता रहा लोग कि लोहा के रड है, डंडा है, लेकर के आया तोड़फोड़ करने लगा, बमबाजी वगैरह किया। आप सीसीटीवी नहीं देखे थे? सीसीटीवी फुटेज हम लोग देख रहे थे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में सीसीटीवी में प्रॉब्लम है। सीसीटीवी में चेहरा भी आया है, बमबाजी करते भी आया, सब कुछ आया है, लेकिन पूरा क्लियर नहीं करा था, डोल रहा है। अच्छा। अपने सर बताए जो यहाँ के प्रबंधक है, हम आपको सुबह सर शाम ये घटना हो जाती है, क्या गश्ती नहीं होती है? गश्ती में तो हम लोग थे, सूचना मिला 5 मिनट में पहुंचे हम लोग। क्यों यहाँ बम चलाया गया? यहाँ जैसा कि बता रहे हैं पंडित जी कि वह जो लड़का है राजा यादव यहाँ कोचिंग में आया था कि कुछ विद्यार्थी को फ्री में नामांकन करने, इसको इन्होंने इनकार किया और चाहता था कि बलपूर्वक हम इसका नामांकन करवा दें और इसी को लेकर के विवाद हुआ। रंगदारी की बात कही जा रही है, 5 लाख रुपए रंगदारी मांगने की। वह तो परसों भी जो आया था उस लड़का का नाम जैसे कि बता रहे हैं कि 5-7 लड़का का वो पैसा ले लिया या का किया था भगवान जाने, जैसे कि बता रहे हैं कि पैसा ले लिया था और फ्री में चाह रहा था कि एडमिशन करावे। जब ये लोग विरोध किए तो कई दिन तक 24 घंटा का समय देते हैं, तुम सोच लो, और नहीं तो इसका परिणाम बुरा होगा। क्या करेंगे आगे? अब आगे तो इसका सीसीटीवी फुटेज लेंगे, उसके बाद अभी FIR होगा, उसके बाद कार्रवाई आगे प्रारंभ हो जाएगी। 5 लाख रुपए रंगदारी की जो बात कही जा रही है, हाँ 5 लाख रुपया पर मंथ 5 लाख रुपया की रंगदारी की बात बताई जा रही है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ये SI प्रमोद कुमार सिंह।